नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्मार्ट क्वाइन में अपने लोन लिमिट को कैसे इंक्रीज करें। दोस्तों, अगर आपने भी स्मार्ट क्वाइन एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई किया है और दोस्तों आपको जो है इसमें कम अमाउंट में लोन मिला है और आपको जो है ज्यादा अमाउंट की यहाँ पर नीड है, तो किस तरह से दोस्तों आप जो है अपने लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा जिससे कि आप जो है इंस्टेंट के इंस्टेंट अपनी लिमिट को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा एक फ्रेंड था, मैंने जो है उसका यहाँ पर लोन अप्लाई किया था, तो उसका यहाँ पर जो है 7,000 रुपए का अप्रूवल हुआ था। उसके बाद में देख सकते हैं इसकी जो लिमिट है 7,000 रुपए से बढ़कर डायरेक्ट जो है यहाँ पर 55,000 रुपए हो गई। तो दोस्तों, किस तरह से आप जो है अपनी यहाँ पर लिमिट को बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो साथ में घंटी वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए रोजाना इस तरह की काम के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्मार्ट क्वाइन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो इसकी मैंने फुल वीडियो जो है बना दी है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे जो है आप अपनी लिमिट को यहां पर बढ़ा सकते हैं। जब आप यहां पर दोस्तों, पहला तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जब आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान देना है यहां पर, जैसे कि आप जो है यहां पर सेलेक्ट करते हो, आपसे पूछा जाता है आप काम क्या करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या आपका कोई बिजनेस है या आप सैलरीड हो। अगर आप दोस्तों कहीं पर भी काम करते हो तो अगर यहाँ पर अगर जो है अपना सैलरीड यहाँ पर अगर चूज करेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी अमाउंट में लोन मिल जाता है। बट बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर सैलरीड नहीं होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सैलरीड होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो है यहाँ पर सैलरी होते हैं वो भर पाते हैं, उनको ही यहाँ पर तगड़ी अमाउंट में लोन मिलता है। बट अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो आप किस तरह से यहाँ पर लोन ले सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा हायर लोन अमाउंट, मतलब आप जो है यहाँ पर तगड़ी अमाउंट में कैसे लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपनी बैंक को सिलेक्ट करेंगे। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद में आप अपनी यहाँ पर बैंक का स्टेटमेंट दे देंगे। स्टेटमेंट देने के बाद में यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर तगड़ी अमाउंट में लोन मिल जाता है। ये तो दोस्तों पहला तरीका था, मैं आपको दूसरा जेन्युइन तरीका यहां पर बताता हूं। मान लीजिए अगर आपको पहली बार में यहां पर लोन अमाउंट मिला है कम रुपए का, जैसे कि मान लीजिए 5,000, 2,000, 3,000 इस तरह से आपको अमाउंट मिला है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जो है वो लोन को ले लेना है, लेकिन आपको जो है कम समय के लिए लेना है। यहाँ पर आपको 3 महीने के लिए ही सिर्फ लोन अमाउंट को लेना है, और हो सके तो आपको जो है सिर्फ ये, जैसे कि आपको अप्रूवल 5,000 का मिला है तो आपको सिर्फ जो है 2,000, 3,000 इस तरह से लोन यहाँ पर लेना है, और उसको लेने के बाद में जस्ट आपको 1-2 दिन के बाद में उसका रिपेमेंट कर देना है। रिपेमेंट करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिक जो है आपके यहाँ पर लिमिट इंक्रीज हो जाएगी और अगले जो है आप यहाँ पर तगड़ी अमाउंट में लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जो है यहाँ पर आपको जो अकाउंट दिखा रहा हूँ ये दोस्तों किसी और का है, और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको 55,000 रुपये की लिमिट दिखाई थी ये मेरे फ्रेंड का ही है। उसने दोस्तों जब लोन के लिए अप्लाई करा था तो उसको जो है करीबन 12,000 रुपये की इस तरह से लिमिट यहाँ पर उसको खुली थी। उसके बाद में जब उसने जो है 3 महीने के लिए लोन लिया था, उसके 3 महीने बाद जो है जब उसने उसका रिपेमेंट कर दिया टोटल, कोई भी आपको जो है यहाँ पर पेमेंट डिले नहीं करना है, कोई भी लेट नहीं करना है, अगर आप उसका टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर देते हैं तो आपको जो है दुगनी तिगनी यहाँ पर लिमिट आपकी इंक्रीज हो जाती है। 12,000 रुपए की उसकी लिमिट थी, उसके बाद में यहां पर डायरेक्टली जो है उसकी 55,000 रुपए की लिमिट हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है स्मार्ट क्वाइन एप्लीकेशन में अपनी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं, और दोस्तों यहां पर कोई भी दूसरा तरीका नहीं है लिमिट बढ़ाने का। जिस भी तरीके से लिमिट बढ़ती है वो मैंने आपको तरीके इस वीडियो में बता दिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है स्मार्ट क्वाइन में अपनी लिमिट को इंक्रीज कर पाएंगे। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।